गुड मॉर्निंग जी, ये है GoPro 9, इसकी बैटरी हो गई है डेड, हमें लेने जाना है इसकी बैटरी, उसके बाद हम जाएंगे एक और जगह और उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी में निकलने से पहले हमें क्या होमवर्क करना चाहिए। तो सीधा यहाँ से पहुँचते हैं हम दुकान पर, बढ़िया वाली जगह लेके जाऊंगा। तो भैया ये ले लिया है GoPro की दो बैटरीज, ये दो बैटरीज ले चुका हूँ और यहाँ से हम पहुँचेंगे अगली डेस्टिनेशन पे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। न जाना जाने ये रास्ते ले जाते हैं कहाँ। तो भैया हम आ चुके हैं कहाँ, यहाँ, ये देख रहे हो क्या है ये। नजर उठा के देखो बैठे हैं हम यहीं, बेखबर मुझसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं। जरा नजर उठा के देखो बैठे हैं हम यहीं, बेखबर मुझसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं। जमाने की बातों में उलझो ना, है ये आसान जानना, खुद से जो अगर तुम पूछो है हम तुम्हारे के नहीं। तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है, दुनिया की इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े, सबसे पीछे हम खड़े। महफिले आई और गई, लोग आए और गए। हाँ तो मेरे दोस्तों देख लिया आपने, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, अपने म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। ये थी थोड़ी सी झलक आप लोगों के लिए म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की। अब हमें जो बात करनी थी स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में, वो बात तो हुई नहीं, वो बात भी करेंगे, दो मिनट दो मैं जरा थोड़ा सा शांत हो जाऊं, पसीना पसीना चकना चूर हो चुका हूँ। तो हम बात करते हैं कि क्या होमवर्क करना चाहिए किसी को भी जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए निकल रहे हो। सबसे पहली ये चीज है कि आपको अपना माइंडसेट सेट करना है और दूसरी चीज आती है टूल्स। तो पहली चीज क्या हुई कि हमारा माइंडसेट। तो जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बाहर निकल रहे हो तो आपको ये सोचना है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी ऐसा नहीं होता कि आप कुछ करने के लिए जा रहे हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी एक लाइफस्टाइल है। स्ट्रीट फोटोग्राफी को आपको अपने अंदर इस तरह से बसाना है कि आप ये ना सोचो कि आप कुछ करने जा रहे हो, आप कोई टास्क करने नहीं जा रहे हो, आपको अपना दिमाग खुला रखना है। तो उसका जो सिंपल तरीका है वो ये तरीका है कि भाई आप अपने दिमाग को खुला रख के जाओ, आप एम्प्टी माइंड जाओ। आप ये मत सोच के जाओ कि मुझे आज पिक्चर मिलेंगी, आप जा रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप निकल रहे हो और बस आपका यही ध्येय है कि आपके पास कैमरा होना चाहिए और आपको निकलना है। आप कुछ मत सोच के जाओ कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, जितना आप सोच के जाओगे वो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी एक कैंडिड पिक्चर है और स्ट्रीट फोटोग्राफी में चीजें आपके सामने आती हैं, उभर उभर के आती हैं, आप उन्हें प्लान नहीं कर सकते, आप उनको अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो इसलिए दिमाग खुला रख के जाओ, ये मत सोच के जाओ कि आज मुझे इस तरह की पिक्चर मिलेगी या आज मैं इस तरह की पिक्चर करूंगा या आज मैं अशोक सर जैसी पिक्चर करूंगा या मैं किसी और जैसी पिक्चर करूंगा। तो सिंपल होमवर्क है भैया, दिमाग खुला रखो, सब बढ़िया होगा। तो भाई चीजें आपके हाथ में जब है नहीं तो चीजों को एक्सपेक्ट मत करो, एंजॉय करो और आप
ये देखने की कोशिश करो कि जो चीजें आपके सामने आ रही हैं वो किस तरह से आ रही हैं और आप उन्हें किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। खुश रहोगे, परेशान नहीं होगे, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन करोगे और चीजें वैसी नहीं होंगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इस अप्रोच को फॉलो करो। स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ एक अप्रोच है जहां पर आप जो चीज आपके सामने आ रही है उसे एक्सेप्ट करना है। आप उसे एक्सेप्ट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और खुले दिमाग से, तो चीजें आपको मिलेंगी, पिक्चर्स आपको मिलेंगी। तो अप्रोच ठीक रखो, खुले दिमाग से जाओ। आप जा रहे हो, कैमरा आपके साथ है, पिक्चर मिलेगी तो बढ़िया, नहीं मिलेगी तो भी बढ़िया। इसके बाद बात आती है भाई टूल्स की, कि टूल्स क्या होने चाहिए। टूल्स मतलब कैमरा शैमरा कौन सा लेके जाना है। तो देखो भाई, कैमरा आपको सबसे सिंपल कैमरा लेके जाना है। कैमरा आपके पास एक छोटा कैमरा होना चाहिए और उसके साथ एक छोटा लेंस होना चाहिए। कैमरा वो होना चाहिए जो आप समझते हो, जिसको आप जिसको चलाना आता है। आपको कोई बड़ा बैग लेके नहीं जाना है। तीसरी चीज आती है कि भाई आप ऐसे कपड़े पहन के निकलो या ऐसी चीजें ना करो जिससे कि आप स्ट्रीट करते हुए आप स्टैंड आउट हो, क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेस में हो और अगर आप कैंडिड पिक्चर्स ले रहे हो और अलग से दिख रहे हो तो फिर भाई पंगा होगा और लोग आपको देख के पहचान जाएंगे और फिर आप वो चुपचाप वाली पिक्चरें नहीं ले सकोगे। तो अपने आप को घुलाना और मिलाना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो ना सब कुछ। बते जाते मैं आपको एक ऐसी प्रो टिप दे देता हूँ, स्ट्रीट फोटोग्राफी में माहिर होना चाहते हो तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना कि घर से निकलने से पहले जो भी कैमरा लेके जा रहे हो उसको भाई समझ लो। आपको उसके कंट्रोल्स, आपको उसकी सेटिंग्स इतनी अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि आप आँख बंद करके भी सेटिंग्स चेंज कर सको, क्योंकि स्ट्रीट में चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं और बहुत फास्ट होती हैं और वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप सेटिंग्स चेंज करो, कैमरे में फंबल करो। और अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो भाई सीन निकल जाएगा और फिर आपको वो पिक्चर नहीं मिलेगी, बाद में आप पछताते रहोगे। तो स्ट्रीट के लिए अपने कैमरा को बहुत अच्छे से समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और यही सबसे बड़ा होमवर्क है। तो खूब प्रैक्टिस करो अपने कैमरे पे कि कैमरा चलता कैसे है, क्या होता है, क्या सेटिंग्स है, अपर्चर कहाँ है, शटर कहाँ है, ISO कहाँ है और कौन से फोकल लेंथ पे आपको कितना एंगल ऑफ व्यू मिल रहा है। अगर ये सब पकड़ लोगे तो भाई अच्छी स्ट्रीट फोटोग्राफी करोगे और यही सबसे बड़ा होमवर्क है। इस होमवर्क को करो और बन जाओ अच्छे वाले स्ट्रीट फोटोग्राफर। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का हम ये वीडियो। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर इधर है, आप उधर जाओ क्योंकि वहां पर हो रही है स्ट्रीट फोटोग्राफी। टेक केयर, बाय बाय। गिर पड़े जाओ तो गिर दे दो, फासले टूटे नहीं।